हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज के हम वीडियो में जानेंगे कि आपको टेट का जो पूरा सिलेबस है वो कैसे पढ़ना है, क्या क्या आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है। जैसे कि आप सभी को सिंपली पता है कि आप सभी का पांच सब्जेक्ट होने वाला है। पहला तो आपका CDP होगा, ठीक है। अब CDP में कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको पढ़ना होगा, ठीक है। उसके बाद से आपका हिंदी हो जाएगा, मैथ हो जाएगा, EBS हो जाएगा, ठीक है। प्लस आपकी जो सेकेंड लैंग्वेज है वो चाहे आप उर्दू लीजिए, संस्कृत लीजिए या फिर इंग्लिश लीजिए, तो सब कुछ आप सभी को सिलेबस इसके अराउंड, इसके अकॉर्डिंग आप सभी को क्या पढ़ना है, क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि आप सभी को टॉपिक वाइज अच्छे से क्लियर करना है। चलिए फ्रेंड्स, सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके लिए ही बेनिफिट्स होगा और वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है, आप लाइक कर सकते हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट आपका आ जाता है CDP, ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है। उसमें फ्रेंड्स आप सभी को, यानी कि बाल मनोविज्ञान में आप सभी को क्या पढ़ना है, सबसे पहले जो टॉपिक है आप सभी, लगभग 15 से 20 टॉपिक, और बहुत ही आसान है, इसको लेकर आप सभी परेशान मत होइए। आपको इस चैनल पे टॉपिक वाइज सारे जो है आपको वीडियोज सेपरेट तरीके से फ्री PDF प्रोवाइड किए जाएंगे। सबसे पहले आपको बाल विकास में जो है पढ़ना होगा वो पढ़ना होगा, बाल विकास का मतलब जो अर्थ एवं सिद्धांत, ठीक है, कि बाल विकास से आप क्या समझते हैं और इसके क्या सिद्धांत हैं। उसके बाद से हमें वंशानुक्रम एवं वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है इसके बारे में पढ़ना होगा। सामाजिक प्रक्रियाएं क्या होती हैं इसके बारे में भी हमें पढ़ना होगा, क्योंकि इन टॉपिकों से आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। बाल केंद्रित, क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए जो आपका ये पांच जो है सब्जेक्ट है, पर सब्जेक्ट 30-30 नंबर का और 30 ही प्रश्न आप सभी से पूछे जाएंगे, ठीक है। बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा, बुद्धि निर्माण एवं बहुआयामी बुद्धि, ठीक है, पियाजे, कोहलबर्ग एवं जो आपके ये प्रमुख वैज्ञानिक हैं, जो भी समाजशास्त्री हैं, इनके बारे में हमें पढ़ना होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है समाज निर्माण में लैंगिक मुद्दे, ठीक है, अधिगम का मूल्यांकन, अधिगम से आप क्या समझते हैं, मूल्यांकन के बारे में आप सभी से पूछा जाएगा। व्यक्तिक भिन्नताएँ क्या क्या होती हैं, भाषा और चिंतन समावेशी, ठीक है, सबसे पहले आप सभी को भाषा और चिंतन पढ़ना होगा। उसके बाद ये अलग है, समावेशी शिक्षा एवं इसकी अवधारणा, ठीक है, ये दोनों अलग अलग टॉपिक है, टाइपिंग करते टाइम जो है एक में ही टाइप हो गया है, तो भाषा और चिंतन के बारे में, देन समावेशी शिक्षा एवं इसकी अवधारणा के बारे में हमें जानना होगा। नेक्स्ट आपका आ जाएगा अधिगम एवं शिक्षा शास्त्र, आप सभी को जानना होगा। संज्ञान और संवेग क्या होते हैं, साथ ही प्रेरणा एवं प्रेरक के कार्य आप सभी को पढ़ना होगा। उसके बाद से बुद्धि मूल्यांकन का सूत्र एवं श्रेणी, बुद्धि मूल्यांकन का क्या सूत्र है, जो IQ वाला प्रश्न आते हैं ना फ्रेंड्स, इसी टॉपिक से आप सभी को पूछे जाएंगे और इसकी श्रेणियाँ क्या क्या होती है। अब नेक्स्ट आपका आ जाता है एक और पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है, वो आ जाता है सीखना, ठीक है। उसके बाद से आपका एक और पॉइंट आ जाता है मनोवैज्ञानिक के कथन, ठीक है, मनोवैज्ञानिक के क्या स्टेटमेंट हैं वो आप सभी को पढ़ना होगा। उसके बाद से प्रतिपादकों का नाम आप सभी को पढ़ना होगा। फ्रेंड्स, आप एक बार सारा ये सिलेबस नोट्स करते जाएं जो भी पाठ्यक्रम में, ताकि आप टॉपिक वाइज अच्छे से स्टडी कर सकें। उसके बाद से हमें एक और टॉपिक पढ़ना होगा बाल विकास में, जो आपका NCF है, ठीक है, यानी कि 2005, इसका NCF का फुल फॉर्म राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा, यानी कि NCF 2005 के बारे में भी हमें पढ़ना होगा। तो आपका ये CDP कंप्लीट और 30 नंबर भी कंप्लीट और 30 प्रश्न भी कंप्लीट, आप सभी बस इतने टॉपिक अच्छे से क्लियर करिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका फ्रेंड्स आ जाता है, अभी आप देख रहे हैं PDF में थोड़ा थोड़ा कट रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आप सभी को बता दिया जाएगा। ये आपका पूरा है मैथ का सिलेबस, इसका भी आप सभी को 30 प्रश्न में से 30 नंबर लाना है और इन टॉपिकों से आपके प्रश्न पूछा जाएगा। सबसे पहला तो आपका आ जाएगा नंबर सिस्टम, यानी कि संख्या पद्धति, ठीक है, मैथ के भी क्लासेस आप सभी को प्रोवाइड किए जाएंगे फ्रेंड्स, इसको लेकर आप सभी परेशान मत होइए। और सेकंड आपका पूछा जाएगा लघुत्तम समाप्तवर्तम, यानी कि LCM और SCF के बारे में भी आपका प्रश्न पूछा जाता है। थर्ड आपका भिन्न एवं दशमलव से रिलेटेड भी प्रश्न आएंगे आपके मैथ के क्वेश्चन में।
और मापन प्रणाली से रिलेटेड भी अनुपात और समानुपात यानी कि रेशियो वाले प्रश्न भी आपके प्रश्न में आएंगे। प्रतिशतता यानी कि परसेंटेज वाले लाभ हानि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और जो भी आपके ब्याज और साधारण ब्याज लेन देन डिस्काउंट वाले भी जो प्रश्न हैं वो आप सभी के पूछे जाएंगे। एक 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 नियम के बारे में पूछा जाएगा। डिस्टेंस एवं चाल के बारे में आप सभी से पूछा जाएगा। टाइम डिस्टेंस का जो सवाल होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका औसत से रिलेटेड जो आपके एवरेज वाले सवाल होते हैं वो भी पूछे जाएंगे। ज्यामिति संरचनाएँ भी आप सभी से पूछी जाएंगी। क्षेत्रफल का जो आयतन है, ठीक है, क्षेत्रफल और आयतन आप सभी से पूछा जाएगा। गणित शास्त्र, गणित की शिक्षण विधियाँ आप सभी से पूछी जाएगी। और गणित बुद्धगम्यता, ये आपके 16 टॉपिक है जो कि इनसे रिलेटेड आप सभी के प्रश्न बनेंगे, जो कि 30 नंबर के बनेंगे और पर टॉपिक से आपके 1 से 2 प्रश्न टपकने वाले हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। चलिए, अब हमने CDP प्लस मैथ का सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, क्या हमें पढ़ना है। चलिए अब हम आगे जान लेते हैं आपके हिंदी में आप सभी को क्या क्या पढ़ना है वो जान लेते हैं। हिंदी लैंग्वेज जो कि आपकी फर्स्ट लैंग्वेज होती है, ठीक है, ये आपके पेपर फर्स्ट में भी होता है और पेपर सेकेंड में भी होता है। अब हिंदी भाषा में जैसे सबसे पहले तो आपका संज्ञा यानी कि आप कह सकते हैं नाउन, यानी कि जो आपको इंग्लिश में पढ़ना होगा वो आपको हिंदी में भी पढ़ना होगा। अगर आप इंग्लिश के थ्रू जाते हैं तो फ्रेंड्स अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको लैंग्वेज सेकंड में किसकी नॉलेज, मतलब किस भाषा की नॉलेज आप सभी को ज़्यादा है, उसके हिसाब से आप अपना सब्जेक्ट इंग्लिश, उर्दू या फिर संस्कृत चूज कर सकते हैं। तो हिंदी के सिलेबस की बात करें तो सबसे पहले आपका संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया यानी कि आप देख सकते हैं नाउन, प्रनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, ठीक है, क्रिया विशेषण, और उसके बाद से स्वर एवं व्यंजन के बारे में आप सभी को पढ़ना होगा और इनके प्रकार भी आप सभी को बताने होंगे। शब्दों के वर्गीकरण, लिंग, कारक और वचन, लिंग के बारे में वचन कितने प्रकार के होते हैं। समास पढ़ना होगा, संधि एवं अव्यय पढ़ना होगा, रस, छंद, ठीक है, यहाँ छंद होगा, और अलंकार, ठीक है। उसके बाद से आपको परिभाषित शब्द भी पढ़ना होगा यानी कि हिंदी के लगभग सारे टॉपिक। उसके बाद से तद्भव और तत्सम, शब्दों के लिए एक शब्द यानी कि अनेकार्थी शब्द आप देख सकते हैं नीचे, और प्रत्यय, उपसर्ग और निपात आप सभी को पढ़ना होगा। मुहावरे और लोक उक्तियाँ भी के भी जो सवाल हैं वो आप सभी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। हिंदी साहित्य के जो भी रचनाकार हैं उनकी कृतियों को भी आप सभी को ध्यान में रखकर ये एग्जाम देने जाना होगा। वाक्य के प्रकार क्या होते हैं और उनके शुद्धिकरण भी आप सभी को पढ़ना होगा। अपठित गद्यांश एवं पद्यांश के भी प्रश्न आप सभी से पूछे जाते हैं, और हिंदी शिक्षण की क्या विधियाँ होती हैं और बोध्यगम्यता के बारे में आप सभी से पूछा जाएगा। तो लगभग 20 इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि इससे रिलेटेड आपके 30 प्रश्न बनेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं पर्यावरण अध्ययन यानी कि जो आपका एनवायरनमेंट है, जो आपका EVS है, ठीक है, इससे भी आपके टोटल 30 प्रश्न में से 30 जो है नंबर आप सभी को मिलेंगे। और ये टॉपिक आप अच्छे से क्लियर कर लेते हैं फ्रेंड्स तो एक भी आपका नंबर नहीं कटेगा। सबसे पहले तो हमें एनवायरनमेंट के बारे में देखें, पर्यावरण अध्ययन जो है सबसे पहले तो हमें अपना परिवार एवं मित्र के बारे में जानना होगा। भोजन, आवास, यातायात, मानव निर्मित की वस्तुएं क्या हैं, जल एवं वन्य, ठीक है, क्या उपयोगिता है, भारतीय कृषि की क्या उपयोगिता है, क्यों जरूरी है, पर्यावरण व मनुष्य का प्रभाव, मतलब पर्यावरण पर जो है मनुष्य का क्या प्रभाव पड़ता है, पर्यावरण शिक्षा शास्त्र, ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण पर जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां भी जो है आप सभी को याद रखने होंगी, पर्यावरण और पर्यावरण से और उनका जो स्थान है वो भी आप सभी को याद रखना होगा। आप सभी कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइएगा कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, चलिए हम संस्कृत के सिलेबस के बारे में जान लेते हैं। फ्रेंड्स देखिए, ये आपकी सेकेंड लैंग्वेज है, अगर आप संस्कृत चूज कर रहे हैं तो आप संस्कृत का सिलेबस देख लीजिए, अदरवाइज आप इंग्लिश चूज कर रहे हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बता दीजिएगा। आप सभी को इंग्लिश का फुल सिलेबस यानी कि पाठ्यक्रम आप सभी को प्रोवाइड कर दी जाएगी, लेकिन जो भी प्रशिक्षु इंग्लिश सब्जेक्ट की ओर जाते हैं तो उनके लिए सिलेबस बहुत ही इंपॉर्टेंट हो रहा है, होने वाला है। सबसे पहले आप सभी का संस्कृत व्याकरण में से कुछ इंपॉर्टेंट पूछे जाएंगे, जैसे कि सबसे पहला तो वर्ण माहेश्वर सूत्र एवं उनके उच्चारण और स्थान, ठीक है। उसके बाद से आपका संधि पूछा जाएगा, समान पूछा जाएगा, शब्द रूप पूछा जाएगा, ठीक है। फ्रेंड्स थोड़ी टाइपिंग में यहाँ देख सकते हैं मिस्टेक हो गई है,
तो आप सभी ध्यान में रखें, ठीक है। शब्द रूप 1 से 100 तक की गिनती, उपसर्ग एवं प्रत्यय, कारक, वाच्य परिवर्तन, अव्यय पर्यायवाची और पर्यायवाची और आपका पर्यायवाची, ठीक है, सॉरी, और ये आपका विलोम शब्द। तो उसके बाद से ये आपके संस्कृत व्याकरण के हो गए। अब नेक्स्ट आपका पूछा जाएगा संस्कृत साहित्य से रिलेटेड, जैसे कि कालिदास, महाभारत, रामायण और संस्कृत, इससे संबंधित आप सभी के प्रश्न पूछे जाएंगे। और संस्कृत शिक्षण से संबंधित भी आप सभी के, देखिए संस्कृत साहित्य में कालिदास, महाभारत और रामायण से प्रश्न बनेंगे। उसके बाद से संस्कृत शिक्षण की आपकी क्या विधियाँ होती है और इसमें आप सभी के अलंकार भी पूछे जाएंगे। तो ये आपके यूपी टेट का फुल सिलेबस हो जाता है और ये पेपर फर्स्ट के लिए है 1 से 5 तक। बाकी पेपर सेकंड में लगभग हिंदी, बाल विकास सेमी है, ठीक है। बाकी आप उसमें 4 सब्जेक्ट, जैसे आप आल्ट से हो तो आल्ट वाले ले सकते हैं, सामाजिक अध्ययन, और बाकी मैथ और साइंस आता है 30-30 नंबर का, यानी कि टोटल एक पेपर 60 नंबर का होता है। तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बता दीजिएगा, आपको उसके अकॉर्डिंग आप सभी को सिलेबस प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और फ्रेंड्स जल्द ही आपकी क्लासेस स्टार्ट की जाएंगी। तो चैनल पे आप सभी अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को आप लाइक कर लीजिए फ्रेंड, और जो भी आपके दोस्त फ्रेंड्स हैं उनको ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि ये आपका ही चैनल है। जितना ज़्यादा सपोर्ट करेंगे उतना ही आप सभी को बेनिफिट्स होगा और उतना ही हमारे चैनल की तरफ से, हमारी तरफ से आप सभी के लिए मेहनत की जाएगी ओनली फॉर ओनली आपके सिलेक्शन के लिए। तो फ्रेंड्स सभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।